किसान भाइयों नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं इंडियन एमपी ट्रैक्टर। और साथियों आज हम बात करने वाले हैं 52 हॉर्स पावर कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले दो ट्रैक्टरों के बारे में, जिनमें पहला है स्वराज का 744 XT जो कि काफ़ी पॉपुलर ट्रैक्टर है, और दूसरा ट्रैक्टर है सोनालिका DI50RX जो कि एक सोनालिका कंपनी का 52 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है और यह भी किसानों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से स्वराज 744 XT और सोनालिका टाइगर 50RX का कंपेरिजन करेंगे और जानते हैं कि दोनों ही ट्रैक्टरों में से कौन सा ट्रैक्टर किस चीज़ में बेस्ट है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं हूं आप सभी का किसान मित्र आरजी मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन एमपी ट्रैक्टर में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाइयों सबसे पहले बात करते हैं दोनों ही ट्रैक्टरों के बेसिक फीचरों के बारे में। तो दोनों ही ट्रैक्टरों में आपको पावर स्टीयरिंग देखने को मिलेंगे, 744 XT सिंगल आर्म वाले पावर स्टीयरिंग और DI50RX आपको डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग के साथ देखने को मिल जाता है। साथ ही दोनों ही ट्रैक्टरों में आपको ऑयल मिस्ट मल्टी डिस्क ब्रेक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। 744 3-स्टेज ऑयल बाथ वाले एयर फिल्टर के साथ आता है, जबकि DI50 आपको ड्राई टाइप डुअल एलिमेंट वाले एयर फिल्टर के साथ देखने को मिल जाएगा। बात करें अगर क्लच की तो दोनों ही ट्रैक्टरों में सिंगल और डुअल क्लच का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। डबल क्लच दोनों ही ट्रैक्टरों में कंपनी नहीं देती है। साथ ही दोनों ही ट्रैक्टरों के जो फ्रंट एक्सल है, 744 XT में एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल आता है, जबकि DI50RX में नॉन एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल भी आता है और एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल भी आप ले सकते हैं। साथ ही टायर साइज की अगर बात करते हैं तो दोनों ही ट्रैक्टरों में आगे के टायर 750/16 के और पीछे वाले टायर आपको 14/28 के देखने को मिल जाते हैं और दोनों ही ट्रैक्टर 52 हॉर्स पावर श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ट्रांसमिशन की बात करें किसान भाइयों तो स्वराज 744 XT में फुल्ली कॉन्स्टेंट में सेंटर शिफ्टेड गियर बॉक्स देखने को मिलता है, जिसमें 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर देखने को मिल जाएंगे। आगे की तरफ स्पीड 1.5 किलोमीटर से लगाकर 33 किलोमीटर प्रति घंटे की और पीछे की तरफ 1.5 किलोमीटर से लगाकर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड मिल जाती है, जबकि सोनालिका DI50RX में आपको 2 प्रकार के गियर बॉक्स देखने को मिल जाते हैं और दोनों ही गियर बॉक्स साइड शिफ्टेड हैं। एक आपको मिलेगा 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स और दूसरा मिल जाता है 12 फॉरवर्ड या 12 रिवर्स वाला गियर बॉक्स। किसान भाइयों गियर स्पीड की अगर बात करें तो आगे की तरफ 1.5 किलोमीटर से 34 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड और पीछे की तरफ आपको 1.5 किलोमीटर से 13 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड मिल जाती है DI50RX में, और 12 फॉरवर्ड और 12 रिवर्स गियर में आपको पीछे की तरफ 34 किलोमीटर प्रति घंटे की ही स्पीड देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं इंजन के बारे में। तो स्वराज 744 XT में आपको महिंद्रा कंपनी द्वारा बनाया गया RB33XM नाम का इंजन मिलता है, जो कि 3 सिलेंडर और 3478 cc का दमदार इंजन है, जो कि वर्टिकली इनलाइन लिक्विड कूल डायरेक्ट इंजेक्शन 4 स्ट्रोक वाला नेचुरल स्प्रेटेड डीजल इंजन है, जो लगभग 2000 RPM पर चलकर 52 हॉर्स पावर की ताकत और 200 से 228 Nm का टॉर्क जनरेट कर देता है 3-स्टेज ऑयल बाथ वाले एयर फिल्टर के साथ। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर 20 से 24% तक का बैकअप टॉर्क भी लगाता है। साथियों इसमें आपको 110 का बोर और 122 का स्ट्रोक देखने को मिलता है और साथ ही 256 ग्राम प्रति किलोवाट की आपको स्वराज 744 XT में SFC देखने को मिल जाती है। अगर बात करते हैं सोनालिका DI50RX की तो इसमें आपको इंटरनेशनल ट्रैक्टर लिमिटेड का 3 सिलेंडर 3067 cc का वर्टिकल इनलाइन लिक्विड कूल डायरेक्ट इंजेक्शन 4 स्ट्रोक वाला नेचुरल स्प्रेटेड डीजल इंजन मिलता है, जो कि लगभग 2000 RPM पर चलकर 52 हॉर्स पावर की ताकत और 205 Nm का टॉर्क जनरेट कर देता है ड्राई टाइप ड्यूअल एलिमेंट वाले एयर फिल्टर के साथ। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर 22% तक का बैकअप टॉर्क भी लगाता है। बोर स्ट्रोक की बात करें तो 102 के बोर और 118 के स्ट्रोक में इंजन आता है। साथ ही 272 ग्राम प्रति किलोवाट की आपको इस ट्रैक्टर में SFC देखने को मिल जाती है। तो साथ ही बड़ा इंजन के मामले में देखें तो स्वराज 744 XT में DI50 से बड़ा इंजन आता है और इसकी फ्यूल कंजप्शन भी कम है, क्योंकि इसकी SFC कम है। टॉर्क के मामले में भी स्वराज 744 XT एक कदम आगे है DI50RX से, जबकि दोनों ही ट्रैक्टर 52 हॉर्स पावर कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। चलिए किसान भाइयों अब बात करते हैं PTO के बारे में। तो स्वराज 744 XT में आपको 44 हॉर्स पावर की रिवर्स फॉरवर्ड और मल्टी स्पीड PTO का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जबकि DI50RX में आपको 45.86 हॉर्स पावर की रिवर्स फॉरवर्ड और मल्टी स्पीड PTO का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो किसान भाइयों स्वराज 744 XT से PTO के मामले में DI50 आगे है और यह ट्रैक्टर जहां पर थोड़ा सा खुल के चलेगा वहां स्वराज 744 XT थोड़ा सा लोड मान जाएगा। चलिए अब बात करते हैं लिफ्ट के बारे में। तो 744 XT में 1700 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी वाली ADDC टाइप की हाइड्रोलिक मिल जाती है 3 पॉइंट लिंकेज के साथ। साथ ही सोनालिका DI50RX में आपको 1800 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी वाली ADDC टाइप की आपको हाइड्रोलिक देखने को मिल जाती है 3 पॉइंट लिंकेज के साथ। तो हाइड्रोलिक के मामले में भी
50RX आपको बाजी मारता हुआ दिख जाएगा स्वराज 744XT से। वहीं प्राइस की बात करें तो स्वराज 744XT का प्राइस है 690,000 रुपये एक्स शोरूम, जबकि DI 50RX का प्राइस है 680,000 रुपये एक्स शोरूम। और साथ ही कंपनी की तरफ से दोनों ही ट्रैक्टरों में 2 वर्ष या 2,000 घंटे की वारंटी भी आपको देखने को मिल जाएगी। DI 50RX में आप वारंटी बढ़ा भी सकते हैं, 2+3 अर्थात 5 साल की वारंटी भी आप ले सकते हैं यदि आप ज्यादा पैसे देते हैं तो। तो किसान भाइयों, यह था स्वराज 744XT और सोनालिका DI 50RX का पूरा कंपैरिजन। और आपको इस वीडियो के माध्यम से मालूम चल गया होगा कि कौन सा ट्रैक्टर किस मामले में बेस्ट है, और यह पूर्णतः निष्पक्ष कंपैरिजन मैंने किया है। तो आपको जिस काम के लिए ट्रैक्टर चाहिए उस हिसाब से आप इन दोनों ही ट्रैक्टरों में से ट्रैक्टर चूज कर सकते हैं। वैसे किसान भाइयों, बात करें स्वराज 744XT की तो 2020 में 52 हॉर्स पावर कैटेगरी में सबसे ज़्यादा बिकने वाला ट्रैक्टर यह बन चुका है, और सोनालिका DI 50 भी किसी से कम नहीं है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।